ठीक है गुरुजी, इस घर में आज तक कभी नीति नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि यह पूजा पति पत्नी के हाथ से होना चाहिए तो ऐसा ही होगा। बापूजी, इससे आपको आपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति नहीं। अच्छा हुआ चंपा के लिए हम छोटी जाति के हाथों यह पूजा नहीं हो रही है। अगर ये पूजा मेरे हाथों होती तो कुछ अपशगुन हो जाता तो? मालिक ने अच्छा तोड़ निकाला ना, मालिक का मन भी रह गया और पूजा भी संपन्न हो रही है। वो तो है, पर मालकिन आपको जरा भी बुरा नहीं लगा? नहीं चंपाकली, माँ और बापू जी इस पूजा में बैठे हैं, उससे बड़ी और खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है आप। आज ये जो पूजा बा और बापूजी कर रहे हैं, कुछ सालों में तुझे अपनी पत्नी के साथ उनका स्थान लेना होगा। ये कभी नहीं होगा। क्यों? इस पूजा में पति और पत्नी साथ बैठते, पर जब मैं शादी ही नहीं करूंगा तो इस पूजा में बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरी उम्र का था तो मैं भी ऐसा ही सोचता था कि कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन जब तेरी माँ से मिला तो मेरी सोच बदल गई। एक दिन तेरी भी सोच बदल जाएगी। अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। तेरी माँ मुझे मिली तो सब कुछ बदल गया। मेरी माँ के जाने के बाद कुछ नहीं बदला। इसीलिए आपको देखकर मैंने ये निर्णय किया कि मैं शादी कभी नहीं करूंगा। अब सब होली प्रगटाने के लिए बाहर आइए। ए कामचोर, रसोड़ा में जाइने प्रसाद गरम करीने ले आओ और साथ में होली में पधराने के लिए श्रीफल और धानी भी लाना। हाँ चल भाग, अवे भाग। शब्बू, आज प्रसाद भी क्या बना है? शीरा। शीरा, मैं भी प्रसाद बनाऊंगी। अच्छा घी कितनी डाली आपने? बाद में बताऊंगा, आज बहुत काम है, आप जाइए। नहीं बताइए ना। और शक्कर कितनी डाली? बाहर प्रसाद मंगवाया है, होली प्रगटाने के बाद मैं जरूर बताऊंगा। आप शांति से मुझे काम करने दीजिए। शीरा बनाना है? बहुत आसान है, मैं सिखाती हूँ। आइए आप सभी आ जाइए और होली माता की प्रदक्षिणा कीजिए, पति पत्नी साथ में फेरे लें। चलिए मालकिन, होली माँ की पूजा करते हैं, चलिए ना। किसी भी तरह धर्मराज और संतों को फेरे लेने चाहिए।
ये धर्मराज के लिए बहुत अच्छा होगा। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शंभु, सबको प्रसाद भी है। प्रसाद का सीरा, अब ये भी लीजिए। वाह बेटा, अरे वाह दादा, भी लीजिए ना। अच्छा है और मीठा है, बिल्कुल मेरी बेटी बिरवा की तरह। दाद, सीरा मैंने बनाया है। अच्छा शंभू, बिना किन पैसा। आज पहली बार मेरी बेटी ने कुछ बनाया है, वो भी प्रसाद के रूप में। तेरी वजह से हुआ है, ये ले तेरी बख्शीश। शंभू ने नहीं, संतू ने मुझे शीरा बनाना सिखाया था। इस इनाम का असली हकदार शंभू है, क्योंकि वो ही रसोई घर संभालता है। पंडित जी गुलाल ले आई। अब दर्शन के बाद शगुन के तौर पर आप सभी एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे। धर्मराज, तुम भी गुलाल लो। बेटी संतु, तुम भी लो गुलाल।